सर वी आर ऑन अ साइलेंट प्रोटेस्ट, हमारी कोई ऐसी रणनीति नहीं है, हम वी डोंट वांट टू फाइट एनीवन, वी जस्ट वांट आंसर्स। जितने लोग यहाँ पर मृतक है उनको कॉम्पनसेशन कितना मिला है? 10 लाख रुपए किसी की जान की कीमत नहीं है जी। सेकंड थिंग, जितने भी यहाँ पर PWD के ओनर्स हैं, जितने MCD वाले हैं, दे शुड टेक अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर गंद इतना फैल चुका है, कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी हो चुकी है सबकी, इतना पॉपुलेशन और पोल्यूशन यहाँ पर हो चुका है कि नाउ दे हैव टू टेक एक्शन। यहाँ पर सारे PWD, MCD, BSES, डेसू वाले, दिल्ली जल बोर्ड, everyone is equally responsible for the mishap that happened, and तीन लोगों ने जिन्होंने लॉस्ट अपनी लाइफ लॉस्ट करी है ना, दे हैव टू बी कॉम्पनसेटेड विद मिनिमम 1 करोड़ ईच, एंड हमको प्रॉपर SOPs फॉलो करवाने के लिए इनको फोर्स करना पड़ेगा, वरना ये नहीं सुधरेंगे। नाउ मिस्टर वी के सक्सेना जी, LG सर केम yesterday एंड ही टॉक टू फ्यू ऑफ आवर कलीग्स, उन्होंने हमको डिमांड पूछी थी, आपकी क्या डिमांड्स है? हमने क्लियरली उनको बोला सर कि यहाँ के जो लिविंग कंडीशंस है दे आर वेरी हार्श, दूसरा यहाँ पर जितने लोगों के मृतक हुए हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कम से कम 1 करोड़ ईच। ही टू कॉन्शियस ऑफ दैट एंड नाउ ही टोल्ड अस कि दैट ही विल रेज दैट इन द पार्लियामेंट एज वेल एंड ही विल फॉरवर्ड एंड मेक अ कमिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस एसेट्स। अब नाउ मेरे को सिर्फ इतना जानना है, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ इतना है, यहाँ पर वापस ये इंसिडेंट ना हो, यहाँ पर कोई अपनी जान वापस ना गवाए, यहाँ पर प्रॉपर SOPs और कोचिंग्स, जो अंडरग्राउंड कोचिंग चला रही है इलीगली, विच इज़ नॉट अलाउड बाई MCD, नॉट अलाउड बाई द गवर्नमेंट, नॉट अलाउड बाई DD एज वेल, वो सारे के सारे कोचिंग्स बंद करें या फिर बेसमेंट में ना अलाउ करें। एंड लाइब्रेरीज एंड PG ओनर्स हु आर मेकिंग लाइक हु आर हैविंग टेनेंट्स इन देयर रेजिडेंशियल एज वेल, किसी का 5th फ्लोर है, किसी की 15 मीटर से ऊपर बिल्डिंग हाइट है, पोटा कैबिन्स बना रखे हैं टॉप फ्लोर्स के ऊपर, MCD एंड नो बडी कोई चेक नहीं कर रहा उसको। ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा जी, जब तक हमको प्रॉपर SOPs नहीं मिलेंगी। हमारी आती जी से और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एज सच कोई डिमांड नहीं थी, एवरीवन केम ऑन द स्पॉट, दे डिडंट हैव एनी इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, वो आई स्पॉट पे दे टुक कॉन्शियस ऑफ द थिंग्स एंड दे वेंट बैक। किसी ने कोई अकाउंटेबिलिटी अब तक कोई जाहिर नहीं करी है। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है दुर्गेश पाठक जी, ही हैज़ नॉट टेक कॉन्शियस ऑफ एनीथिंग, इवन दो ही न्यू कि यहाँ पर पानी भरता है, पिछले 20-30 साल से भर रहा है। आई एम अ लोकल ईयर, आई एम ऑल्सो स्टडिंग फॉर UPSC एंड आई हैव सीन ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग दिस हार्श कंडीशंस। ये तो बहुत ख़राब बात है जी कि कोई मेरे को बोल दे कि यहाँ पर हमको दिख नहीं रहा, ये सामने मेन रोड पे, अगर पूसा रोड जैसी रोड पे मेन रनिंग ट्रैफिक के अंदर ये कोचिंग सारी खुली हुई है, वहाँ पर ही अगर ये हो रहा है, और वो भी स्टूडेंट्स हुआ प्रिपेयरिंग फॉर IAS जो ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, उनके साथ ही अगर ऐसा हो रहा है, पीपल आर टेकिंग ह्यूज फीस जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं, उसके बावजूद वाई इज़ देयर नीड की उनको बेसमेंट में चलानी पड़ जाए? मल्टीपल बैचेस चलाते हैं, 15-16 बैचेस, मोर देन दैट। बेसमेंट जैसी चीज़ इज़ नॉट यूज फॉर एनी पर्पज ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, अनलेस दे वो स्टोरेज के लिए हो या फिर वो लिफ्ट लॉबी के लिए हो, दैट्स ऑल। पार्किंग स्पेस के लिए यूज़ हो सकता है, दैट्स ऑल। इन्होंने वो SOPs नहीं फॉलो करी है एंड नाउ दे हैव टू टेक द फॉल फॉर इट।